Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. और सैकड़ों के बाद थोड़ी और कम रीडिंग है। मेरी एक चांदनी चौक के ऊपर किताब है, उसका नाम है द एम्पायर सिटी चांदनी चौक। वो सबसे पहली और सबसे आखिरी किताब है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कभी कि ये सबसे पहली तो समझ आती है, सबसे आखिरी कैसे है? मैंने कहा तब तक सब कुछ गिर जाएगा, ये तो कोई बुक ही नहीं लिख पाएगा, क्योंकि हम अगर अपने हेरिटेज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे ही होने वाला है। अब ये जितनी हवेलियाँ हैं ये सब किराएदार और मकान मालिकों के अंदर फंसी हुई है। जितनी हवेलियाँ हैं उनके अब रख रखाव के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। तो आज हमने विशेष रूप से अल्फोन साहब को, जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं, और महेश शर्मा जी को, जो हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं, और दोनों ही बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, एक बार मैं चाहता हूँ उनके लिए तालियां हो जाए, और दोनों बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। अनंत कुमार जी हमारे बॉस हैं अपना पार्लियामेंट के अंदर। और मैं वेलकम करना चाहता हूँ चीवा को, जो सेक्शन चीफ एंड प्रोग्राम स्पेशलिस्ट हैं, और गुरमीत जी को, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इको मॉस के, मैं इनके कार्यक्रम के अंदर गया था। एल के गुप्ता जी को मैंने बुलाया ही है। कपिल हमारे आर्किटेक्ट और हमारे दोस्त हैं, हम दोनों ने 6 साल खूब मेहनत की है। ये जो हवेली बनती है ना, ये पैशन से बनती है। अगर यहाँ आग जल रही हो तो बनेगी, और अगर आग जल रही हो तो आप 10 आर्किटेक्ट या 10 स्ट्रक्चर डिजाइन लाओ। तो जिस समय ये हवेली थी ये 200 साल पुरानी थी, तब ये मुस्लिम्स के पास थी। उसके बाद क्योंकि आप जानते हैं शाहजहानाबाद को बसे हुए भी 350-400 साल हो गए हैं, उसके बाद ये जैनियों के पास आई। ये जो धर्मपुरा नाम आप देखते हैं वो इसलिए नाम है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अच्छे जैन और हिंदू मंदिर हैं। इतने अच्छे मंदिर हैं जो ताजमहल को बीट करते हैं, पर उनको कोई जानता नहीं है। हवेली के एक लेफ्ट पे मंदिर है जैन मंदिर, एक राइट पे है, और इंटेक की लिस्ट में भी वो दोनों मंदिर हैं। मैं चाहता हूँ वो दोनों मंदिर भी आप जरूर देखने के लिए जाएँ। तो आप फिर ये जब हमने हवेली ली थी तो इसकी ऐसी कंडीशन थी कि कॉरपोरेशन ने इसको डेंजरस डिक्लेयर कर दिया था, पर मैंने जब ली इसको तो मैं किसी आर्किटेक्ट से नहीं मिला था, मैं किसी स्ट्रक्चर से नहीं मिला था, पर मेरा दिल इसके लिए धड़कता था। ये और कोई नहीं तो ओपी जैन साहब सबसे अच्छी तरह से जान सकते हैं कि मेरा दिल हेरिटेज के लिए कैसे धड़कता है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये ली तो इसके अंदर 6 साल मेरे और मेरे बेटे सिद्धांत गोयल को लगे इसको रिस्टोर करने के लिए। हमारा कोई इसको होटल बनाने का इरादा नहीं था। धीरे धीरे हुआ, एक दिन ITC के नकुल आनंद वहाँ पर आए और उन्होंने कहा इसको तो आप हमें दे दीजिए यार, तो फिर उन लोगों ने इसको लिया। और इस हवेली की खास बात ये थी कि इसके अंदर बहुत सारी तिजोरियाँ। बैठो। I don't know.